हाय गाइस, वेलकम टू लर्न होम। मैं हूं सिद्धार्थ और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं कुछ किस्म की एप्लीकेशन। आज हम बात करेंगे, हम पार्ट वन वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन हमने पार्ट वन में जानी। आज हम बात करेंगे पार्ट टू की। जो पार्ट टू है हमारा, उसमें हमने ये सारी एप्लीकेशन इंक्लूड कर रखी हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे एक बार इसको नजर मार सकते हैं। हजार्डस गैसेस एरिया, इंस्ट्रूमेंटेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल लैब्स, जिग्स एंड फिक्स्टर्स, ऑटोमेटिक मशीन टूल्स, मटेरियल हैंडलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मूवीज, माइनिंग, न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स और इंडस्ट्री। ये सारी जो हमारे फील्ड्स हैं, इनमें से पावर यूज हो रही है, इन फील्ड्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम हैजार्डस गैसेस एरिया से। तो जो हैजार्डस गैसेस एरिया है, इनमें हम हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का यूज करते हैं। ये भी हमारा एक फ्लूइड पावर सिस्टम है, तो फ्लूइड का इस्तेमाल करके हम हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करते हैं। अब हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग क्या है, इसके बारे में डिटेल में तो हम अलग से एक वीडियो पे चर्चा करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब हम नेचुरल गैस और नेचुरल ऑयल निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक होल करना पड़ता है, वर्टिकल होल, जहाँ तक हमारा नेचुरल गैस नेचुरल ऑयल अवेलेबल है जमीन के नीचे, वहाँ तक हमको उसको होल करना पड़ता है। और हमारी जो नीचे सेल्स हैं उनको ब्रेक करना पड़ता है। उन सेल्स को ब्रेक करने के लिए हम हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, पहले हम एक छोटा सा विस्फोट करते हैं, उससे बारीक बारीक छोटा सा उसमें होल्स हो जाते हैं। फिर उसके थ्रू हम हाइड्रोलिक ऑयल और केमिकल कंपाउंड्स को भेजते हैं, जिसके थ्रू वो जो सेल्स हैं वो क्रैक होने निकल जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारा जो हमारा फ्लूइड सिस्टम है वो यूज हो रहा है। अगला जो हमारा आता है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड, अगर आप जरा सा भी इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो आप अच्छे से जानते होंगे इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड क्या है। एक्चुअली जो हमारा फ्लूइड पावर सिस्टम है, वो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, जितना भी हाइड्रोलिक सिस्टम है, जितना भी न्यूमेटिक सिस्टम है, सारा का सारा इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आता है। तो अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो हमारे एग्जांपल के तौर पे जैसे स्पेस रॉकेट्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, वो सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, जिनके थ्रू हम फ्लूइड का ट्रांसफर कर रहे हैं, पावर का ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सब की सब हमारी किस में आती है, फ्लूइड पावर सिस्टम में आती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जैसे अभी सॉरी मैं स्लाइड नेक्स्ट करती इसलिए स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पे आप एक टर्बाइन देख रहे हैं। तो ये जो टर्बाइन है, ये टर्बाइन भी हमारा क्या यूज करती है, फ्लूइड पावर सिस्टम यूज करती है। फ्लूइड पावर सिस्टम के थ्रू इसमें एनर्जी जनरेट हो रही है। नंबर टू पे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस पावर प्लांट में से एक माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस सिचुएशंस और कंडीशंस होती हैं, तो इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीनरीज का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी ऑटोमेटिक मशीनरीज जो होती हैं, वो सारी की सारी हमारी फ्लूइड पावर का यूज़ करती हैं। ठीक है, अगला जो हमारा आ जाता है वो हमारी इंडस्ट्रियल लैब्स आ जाती है। तो इंडस्ट्रियल लैब्स में ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे न्यूमेटिक पावर, हाइड्रोलिक पावर, इन सारी पावर से चलते हैं। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये सारी चीज़ जो हम इंडस्ट्रियल लैब्स में करते हैं, ये हमारे न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिस्टम्स के थ्रू ही होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। अगला हम जिग्स एंड फिक्सर्स की बात करें। आपने बहुत सारे मैकेनिकल वर्क्स में देखा होगा जिग्स और फिक्सर्स का यूज़ करते हैं। जिग्स क्या होते हैं, जिग्स वो होते हैं जिनके थ्रू हम होल्स करते हैं, जिनके थ्रू हम मेजर्ड इस कंडीशन में होल्स करते हैं और मेजर कंडीशन में उसके मैकेनिकल वर्क करते हैं, तो उनको जिग्स कहते हैं हम। ठीक है, जिग्स के एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, ये जिग्स है, ये जिग्स है, ये जिग्स है। तो हमको एक प्री डिफाइंड हमारा जो पैरामीटर्स हैं उसका हमें एक पार्ट दिया हुआ होता है, उसके थ्रू हम एक अपने दूसरे पार्ट को, ठीक है, बनाते हैं, जनरेट करते हैं, वो जिग्स चलाते हैं। फिक्सर्स क्या होते हैं, उसको ग्रिप करके रखते हैं, क्लैंप करके रखते हैं। जिग्स और फिक्सर्स का मेनली काम है जो हम मोल्डिंग वगैरह इन सब चीज़ों को बनाते हैं, तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उनको फिक्स करके रखना पड़ता है, प्री डिफाइंड वैल्यू पे हमको ड्रिल करना है कि होल इधर उधर ना हो। तो इस तरीके के जो सारे काम है वो हम जिग्स और फिक्सर्स के थ्रू करते हैं। तो आजकल जो हमारे जिग्स और फिक्सर्स हैं वो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक दोनों ही फॉर्म में आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड में एक हमारा न्यूमेटिक जिग्स और फिक्सर्स का एग्जाम्पल दे रखा है, ये हाइड्रोलिक है। तो इसमें क्या है, हमारा ये वॉल्व दे रखा है, वॉल्व के थ्रू हम हैंडल को ऑपरेट करेंगे, और ये हमारा जिग्स और फिक्सर्स उसी के थ्रू हाइड्रोलिक पावर के थ्रू ऑपरेट होगा और ये उसको क्लैंप कर लेगा। ठीक है, अगला हम अगर बात करें तो आता है हमारा ऑटोमेटेड मशीन टूल।
लेफ्ट साइड में आप देखेंगे पहले जो हमारे मशीन टूल थे वो इस तरीके के थे, आज भी हम ये यूज करते हैं, ये मैनुअली मशीन टूल है, इसमें सारा का सारा मेजरमेंट सब कुछ मैन मेड होता है। अब आराम से आदमी स्केल के थ्रू मेजर करेगा, उसको खुद अपने सोच समझ के उसको ऑपरेट करेगा, सारा का सारा जो है मैनुअल है, ठीक है, इसमें कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है। हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑपरेट कराएंगे और मैनुअली इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है, इसको एक मशीन की जरूरत होती है। राइट साइड में आप देख रहे हैं ये हमारा आज के टाइम का ऑटोमेटेड मशीन है, इसमें क्या है हमारा सारी की सारी हम प्री डिफाइंड वैल्यू को डाल सकते हैं और वो प्री डिफाइंड वैल्यू पे ऑटोमेटिकली मशीन वर्क करके वो हमें मशीन वर्क करके हमें बना के देगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है हमारा ऑटोमेटेड मशीन टूल है, तो जो हमारा मशीन टूल्स हैं वो भी हमारे मैनुअल से ऑटोमेटेड से जुड़ते जा रहे हैं, किसकी हेल्प से, हाइड्रोलिक पावर की हेल्प से, जो हमारे स्विच गियर्स काम करेंगे, जो हमारा मैकेनिकल पार्ट्स मूव करेंगे, जो इसको प्रिसीजन प्रोवाइड कराएंगे, वो सारे के सारे टूल्स जो होंगे वो हमारे हाइड्रोलिक पावर का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं, ठीक है, मटेरियल्स हैंडलिंग की। मटेरियल हैंडलिंग में भी हाइड्रोलिक का, न्यूमेटिक का बहुत यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें जैक्स की, जैक्स तो आपने देखे ही होंगे, अपनी कार के स्टेपनी चेंज करने के लिए नॉर्मली हम लोग जैक्स का यूज़ करते हैं, तो हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया है कि किस तरीके से वर्क करते हैं हम। इसमें पंप होता है, पंप के थ्रू जब जैसे जैसे हम पंप को प्रेस करते हैं हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशराइज होता है और वो उसको अप डायरेक्शन में मूव कराता है, ठीक है। सेकेंड भी हमारा होइस्ट है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, आजकल हमने इंडस्ट्रीज में देखा होगा हॉइस्ट के लिए हम मोटराइज हॉइस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन जो मोटराइज हॉइस्ट होती हैं वो पावर चले जाने पे या फिर गियर्स टूटने पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें वो फेलियर हो जाती हैं, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हम हाइड्रोलिक हॉइस्ट का यूज़ करते हैं। जो सेकेंड नंबर पर आप देख रहे हैं एक हाइड्रोलिक हॉइस्ट का एग्जाम्पल है, इसमें हम ये चार ट्यूब्स दे रखे हैं, इनके थ्रू ये सिलेंडर है, ये मोशन कराते हैं हम, उस मोशन के थ्रू ये मैकेनिकल चेंस के थ्रू अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, ये सारे मोशन इससे हो सकते हैं। अगला हम बात करते हैं कन्वेयर, ठीक है। तो ये जो थर्ड नंबर पे आप एग्जांपल देख रहे हैं ये कन्वेयर का एग्जांपल है, इसमें भी हम न्यूमेटिक पावर का यूज करके कन्वेयर को अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव कराते हैं। हिंज कन्वेयर आते हैं, फ्लैप कन्वेयर आते हैं, बहुत सारे ऐसे कन्वेयर आते हैं जिनको हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, वो डायरेक्शन और पोजीशन हम जो है न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक पावर के थ्रू ही चेंज करते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं फोकलिफ्ट, फोकलिफ्ट को हम फोकलिफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा फोक होता है, वैसे ही इसके पास भी एक फोक होता है, ये आप जो देख रहे हैं इस फोक के थ्रू ये मटेरियल को क्लैंप करके अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में आगे पीछे हर जगह मूव करके उसको मटेरियल हैंडलिंग में इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फोकलिफ्ट में भी अप डाउन डायरेक्शन में मूव करने के लिए, आगे पीछे मूव करने के लिए हाइड्रोलिक गियर्स का यूज़ होता है, जिसके थ्रू हाइड्रोलिक ऑयल पुश होता है और हम उसको मूव कर पाते हैं। फिर हम बात करते हैं क्रेन्स की, तो क्रेन्स में भी हाइड्रोलिक का ही यूज़ किया जाता है उसको ऑपरेट कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अगला जो हमारा आ जाता है वो है मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। मेडिकल में भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका यूज़ हम कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को बचाने के लिए और ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ कर रहे हैं, किसका, न्यूमेटिक पावर का और हाइड्रोलिक पावर का। सबसे पहले नंबर पर आप जो देख रहे हैं ये इक्विपमेंट जो है हमारा ब्रीथिंग असिस्टर है, जिसमें क्या होता है हमारा एक छोटा सा पंप होता है, जो पंप के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर देते हैं और ये सांस लेने में हमारी मदद करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आप देख रहे हैं ये ह्यूमन प्रेजेंस सिमुलेटर है, इसमें क्या हमारे मैकेनिकल गियर्स होते हैं जो उसको ऑपरेट कराने के लिए काम आते हैं। पहले क्या होता था, हाँ, तो लाइव बॉडी पे हमारे पेशेंट की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब उस सब से बचने के लिए अब हम क्या करते हैं, ह्यूमन प्रेजेंस सिमुलेटर का यूज करते हैं। ह्यूमन प्रेजेंस सिमुलेटर एज द ह्यूमन बॉडी उसको एक्ट करता है और इजीली हम उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन सिमुलेटर में भी बहुत सारे ऐसे स्विच गियर्स हैं जिनको ऑपरेट कराने के लिए हमारा न्यूमेटिक पावर का यूज किया जाता है। अगला जो आप थर्ड नंबर पे देख रहे हैं ये हमारा कार्डियक कंप्रेशन मशीन है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली जैसे ही कार्डियक सिचुएशन में जाना रहता है, ये जाने लगता है मरीज, तो इसको यूज करके हम इसको कंप्रेस करते हैं, हार्ट को पुश करते हैं, जिसके थ्रू वो रिकवर कर लेता है। तो ये इसमें भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, न्यूमेटिक पावर का यूज़ कर रहे हैं। अगला जो आप देख रहे हैं ये हार्ट असिस्टेंट डिवाइस है। नॉर्मली आपने सुना होगा पेस मेकर, सुना होगा
और बहुत सारी ऐसी हार्ट को ऑपरेट कराने के लिए, जब हार्ट हमारा काम करना बंद कर देता है तो हम एक पंप यूज करते हैं और उस पंप के लिए कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के लिए एक हार्ट का ही काम करता है और ये जो है उसको ब्लड को फिल्टर करके पंप करता है। ठीक है, तो मेडिकल इक्विपमेंट्स भी ऐसे बहुत सारे हो गए। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हमारा न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक पावर का यूज करते हैं। बेड्स में यूज होता है और भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनमें यूज करते हैं हम हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर का। ठीक है, तो अगला जो हम बात करने जा रहे हैं, अगला है हमारा मूवीज। मूवीज का मतलब आप सब भी होगा। ठीक है, तो मूवीज नॉर्मली कुछ लोग बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, कुछ लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हैं। तो बॉलीवुड मूवीज में भी होता है, लेकिन हॉलीवुड मूवीज में नॉर्मली आपने देखा होगा स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जो जैसे बहुत फेमस मूवीज हैं, टाइटैनिक हो गई, एनाकोंडा हो गया, जॉ हो गई, ग्राफिक पार्क हो गई। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं हॉलीवुड की जिनमें स्पेशल इफेक्ट यूज किए गए हैं। तो उन सबको यूज करने के लिए जो पावर्स का यूज करते हैं, जिन पावर के थ्रू हम सबसे पहले मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं, टाइटैनिक का फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें स्पेशल इफेक्ट यूज करने के लिए जितने हैवी शिप्स को कैरी करने के लिए, उनको पूरी पोजिशन पे रखने के लिए शूटिंग के दौरान, तो हम उस टाइम हाइड्रोलिक पावर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो हाइड्रोलिक पावर के थ्रू चल रहे हैं। अगला जो हमने एग्जांपल ले रखा है, ये भी एक मूवी का है, आप सभी हो सकता है देखिए ग्राफिक पार्क। तो इसमें आप जो देख रहे हैं, जो डायनासोर आप मूवी में रियल में देखते हैं, तो इसको ऑलरेडी बनाया जाता है। उसको शूटिंग करने से पहले डायनासोर को बनाया जाता है और डायनासोर के मूवमेंट्स बिल्कुल रियलिस्टिक मूवमेंट्स को शूट किया जाता है। उन रियलिस्टिक मूवमेंट्स को शूट करने के लिए हम डायनासोर के अंदर इसकी मसल्स जो है, जो मसल्स की तरह काम करता है डायनासोर को जो मूवमेंट देता है, वो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। यहाँ पे आप बहुत सारे पाइप्स देख रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू इसके अंदर इसकी मसल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वो ऑयल पम्प करते हैं, ऑयल पम्प होता है तो फिर ये मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोलिक पावर का यूज हो रहा है मूवीज में। अगला जो है हमारा एनाकोंडा मूवी, एनाकोंडा भी आप लोगों ने बहुत देखी होगी, कहाँ पाते हैं निकल जाता है आदमी को। तो एनाकोंडा मूवी में जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये स्नेक जो है ये रियलिटी में मूवमेंट करता है, रियल स्नेक बना के उसको शूटिंग की गई है। तो उस स्नेक के मूवमेंट्स को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे गियर्स का यूज किया गया है और वो गियर्स ऑपरेट किससे होते हैं, हाइड्रोलिक पावर के थ्रू। आप इसको बनने का पूरा प्रोसीजर देख रहे हैं, किस तरीके से स्टार्ट किया गया और कैसे गियर्स असेंबल किए गए, फिर कैसे उसकी बॉडी असेंबल की गई, फिर उसको कम्प्लीटली बनाया गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मूवी बनाने के लिए हम पूरा जो सिस्टम तैयार करते हैं स्पेशल इफेक्ट के लिए, वो सारा का सारा हमारा हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर पे ही बेस्ड होता है। अगला हमने एक एग्जाम्पल और लिया है जॉ मूवी का, उसमें आपने देखा होगा एक शार्क होती है। तो ये शार्क जो है, और जिसमें आप देख सकते हैं ये उसका कटिंग करके दिखाया गया, ये लेफ्ट साइड का एरिया जहाँ से हम इजीली देख सकते हैं उसके मूवमेंट्स के लिए कितने सारे गियर्स यूज किए गए हैं, और उन गियर्स को ऑपरेट कराने के लिए ये जो पाइप्स आप देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिक पावर के थ्रू उसको ऑपरेट करा रहे हैं। तो सारा का सारा जो है ये किस पे वर्क कर रहा है, हमारा हाइड्रोलिक पावर पे वर्क कर रहा है। तो अब हम मूवीज से आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है माइनिंग में आते हैं। तो अगर माइनिंग में आपने अभी पीछे देखा, हमने बात की नेचुरल गैस निकालने के लिए और नेचुरल ऑयल निकालने के लिए, तो उसमें भी हम हाइड्रोलिक पावर का यूज कर रहे थे। ठीक है, तो माइनिंग में मिलता जुलता फील्ड है, इसमें हम कोल माइनिंग हो गई और तरीके की माइनिंग हो गई। तो माइनिंग में भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले रॉक्स को तोड़ना पड़ता है हमें, जैसे उसमें रॉक्स को तोड़ रहे थे, उसमें अंडरग्राउंड रॉक्स को तोड़ रहे थे बाहर। अब इसमें स्टार्ट ही हमें बाहर रॉक्स को करना पड़ता है, तो उन रॉक्स को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, रॉक ड्रिल्स का यूज़ करते हैं। तो जो रॉक ड्रिल्स होती हैं वो भी हाइड्रोलिक पावर का यूज़ करते हैं ऑपरेट होने के लिए। उसका अगला अगर हम आएँ तो अगली चीज़ है हमारी एक्सकेवेटिंग मशीन्स। हमने पिछले वीडियो में भी बात किया, उसमें भी एक्सकेवेटर्स थे। ठीक है, अब इसमें भी हमारे एक्सकेवेटर्स हैं, लेकिन ये हमारा फील्ड दूसरा है, कौन सा, माइनिंग का फील्ड हो गया। तो माइनिंग में भी बड़े बड़े एक्सकेवेटर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो हमारा मटेरियल को डिग करके निकालते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा, ये भी माइनिंग के फील्ड का है, इसमें हमारा क्या है, कन्वेयर्स है, ओर कन्वेयर्स। जब हमारा ओर निकाला जाता है तो उस ओर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए कन्वेयर का, जिन कन्वेयर्स का यूज़ किया जाता है।
दो सारे कन्वर्स भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं, और इन कन्वर्स को क्लीन करने के लिए जिस क्लीनिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है वो भी हमारा क्या करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लोडर्स पे। तो जो हमारे लोडर्स हैं उनको पिक करके उठा के ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो भी लोडर्स भी हाइड्रोलिक पावर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, इसमें भी ऑयल पंप हो रहा है, ये ऑयल पंप होता है, सिलेंडर मूव करता है, ये गियर के थ्रू इसको नीचे मूव कराता है। इस तरीके से ये भी लोडर्स भी हमारा क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिक पावर का यूज़ कर रहे हैं, जो क्या है, शुद्ध पावर है। ठीक है, अगला जो हम आ जाते हैं न्यूज़पेपर और पीरियडिकल में। तो न्यूज़पेपर और पीरियडिकल की पब्लिशिंग में बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जिनका यूज़ जो यूज़ करती हैं हमारा किसका, फ्लूइड पावर का। जैसे ए स्ट्रीमिंग मशीन हो गई, ए स्ट्रीमिंग मशीन, ए स्टेपलिंग मशीन, प्रेसिंग मशीन, बंडल रैपिंग मशीन, ये सारी मशीन जो हैं इनको वर्क करने के लिए जो एसेंशियल पावर है वो हमारी किससे लेती हैं, फ्लूइड पावर से लेती हैं। ठीक है, अब अंडर सी की बात करें हम, अंडर सी सबसे पहले नंबर पे आप देख रहे होंगे सबमरीन। सबमरीन की वर्किंग जो है इसका 30-40% हमारा फ्लूइड पावर वर्किंग पे ही काम करता है। तो इसमें सबमरीन में ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारे फ्लूइड पावर से ऑपरेट होते हैं। सेकेंड नंबर पे जो आप देख रहे हैं अंडर सी रिसर्च व्हीकल है, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो समुद्र के अंदर जाके रिसर्च करते हैं। तो वो रिसर्च व्हीकल्स भी बहुत सारी हाइड्रोलिक पावर्स का यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू वो डीप वाटर जा सकते हैं, डीप वाटर में ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो वो किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक पावर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हम बात करेंगे मरीन ड्राइव की। जी नहीं, मैं मुंबई की मरीन ड्राइव की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो मरीन जो ड्राइव्स हैं जो ऑपरेट करने के लिए यूज़ होती हैं वो ड्राइव्स की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड आप इमेज देख सकते हैं, तो मरीन ड्राइव्स भी हमारी क्या करती हैं, ऑपरेट होने के लिए हाइड्रोलिक पावर का यूज़ करती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे शिप्स के कंट्रोल है, ये आप देख रहे होंगे राइट साइड में रेड कलर का, ये ऑपरेट कराने के लिए हमने क्रेन सिस्टम दे रखा है, जिसके थ्रू मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिप को उठा के ट्रांसफर करते हैं। इसमें भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ हो रहा है। और ये जो हमारा शिप का कंप्लीट डिज़ाइन यहाँ पे हमने दे रखा है, इसमें ये जो रेड कलर की और ब्लू और ग्रीन कलर के ट्यूब देते हैं, ये हमारे शिप का मेन कंट्रोल सिस्टम है जो हमारे शिप को कंट्रोल करता है। और ये सारा का सारा कंप्लीट सिस्टम हाइड्रोलिक बेस्ड है। ठीक है, तो हमारा जो अंडर सी रिसर्च है, अंडर सी हमारी कंट्रोलिंग है, हमारे सबमरीन्स हो गई, हमारे मरीन ड्राइव्स हो गई, तो ये सारी की सारी यूज़ कर रही हैं हाइड्रोलिक पावर का। अभी तक आपने देखा हम एक पार्ट में डिस्कस किया था कितने सारे फील्ड्स में हम ऑलरेडी फ्लूइड पावर देख चुके थे। अब हमने सेकंड वीडियो भी कंप्लीट हो गया, इसमें भी हमने बहुत सारे फील्ड्स में हाइड्रोलिक पावर का यूज़ देखा। तो ऐसे ही एक हमारा थर्ड पार्ट भी बचा है जिसमें बहुत सारे फील्ड्स में हाइड्रोलिक पावर के यूज़ को हम देखेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट हाइड्रोलिक पावर को यूज़ करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसे ही मैं अगला वीडियो पोस्ट करूँगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।